हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मागाइड। फार्मागाइड के इस एजुकेशनल चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लेक्चर में हम जानेंगे कि एंटी इंफ्लामेटरी एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक्स के जो क्लासिफिकेशन है और उसमें जो स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन में जो स्पेसिफिक ड्रग यूज़ होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है कॉक्स इनहिबिटर, उसको नॉन सेलेक्टिव साइक्लोऑक्सिनेस भी कहा जाता है। तो पहला क्लास जो है सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव, जो उसमें इतने बहुत सारे ऐसे ड्रग्स आते हैं। तो सेकंड क्लास है पैरा अमाइनोफिनोल डेरिवेटिव। पैरा अमाइनोफिनोल डेरिवेटिव में इतने क्लास में इतने सारे आते हैं। मतलब क्या आते हैं कि जो ड्रग है वो आते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल, एसिटोमिनोफिनोन, अराइल प्रोपोनोइक एसिड। अराइल प्रोपोनोइक एसिड में बहुत सारे ऐसे फ्लोरोबिप्रोपेन, आइबुप्रोपेन, केटोप्रोपेन ऐसे ड्रग्स आते हैं। तो नेक्स्ट है उसके ही बहुत सारे ऐसे क्लासिफिकेशन, जैसे कि इंडोल एसिड डेरिवेटिव, इनोलिक एसिड, इनामेट्स, हेटेरोइल एसिटिक एसिड, हेटेरोराइल एसिटिक एसिड जिसमें आता है डाइक्लोफिनाक, डाइक्लोफिनाक बहुत सारा ऐसा यूज़ होता है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक में। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स आते हैं जिसमें सेकंड क्लास में बहुत सारे ऐसे ड्रग्स यूज होते हैं, जैसे कि कॉक्स टू इनहिबिटर, जैसे कि उसमें आता है सेलिक्लोज़िम, मतलब सेरेबैक्स, और ड्रग यूज टू ट्रीटमेंट गाउट, गाउट के लिए जो ड्रग ट्रीटमेंट होते हैं जो ये होते हैं। और नेक्स्ट है ड्रग यूज टू ट्रीट, मतलब क्या है कि जनरल कोई भी ऐसा नॉर्मल, जैसे अपने बॉडी में अगर अपने को लगता है कि कुछ तो ऐसा इंफ्लामेशन होता है, तो जनरल ट्रीटमेंट के लिए ये जनरल जो ड्रग्स है वो यूज़ किए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।